बैसाखी, ये त्योहार हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसकी लोगों के बीच एक अलग ही मान्यता है, जिसको देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं इस बार ये त्योहार 14 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये त्योहार मनाया क्यों जाता है, साथ ही ये त्योहार किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में देते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्यों मनाई जाती है बैसाखी, ये सबसे अहम सवाल है जिसकी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। दरअसल बैसाखी का पर्व पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी का त्योहार बैसाख के महीने में मनाया जाता है। बैसाख महीने तक रबी की फसल पक जाती है और उनकी अच्छी पैदावार के लिए इस दिन अनाज की पूजा कर प्रभु को धन्यवाद किया जाता है। वहीं इसी के साथ बैसाखी का त्योहार मनाने के पीछे मुख्य वजह अच्छी फसल के अलावा इस सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा बैसाखी के दिन महाराणा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का प्रभार सौंपा गया था, जिन्होंने एकत्रित राज्य की स्थापना की थी, जो कई वजह से जिस कारण आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाखी, इस शब्द के मतलब के बारे में अगर बात करें तो बता दें कि बैसाखी को वैसाखी या बसुआ के नाम से भी जाना जाता है और आमतौर पर वैशाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है, जो 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है। बैसाखी मुख्य रूप से उत्तरी भारत में मनाई जाती है, जो वसंत की फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। अब जानते हैं इस त्योहार के महत्व के बारे में। आज के दिन को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि हजारों सालों पहले गंगा इस धरती पर प्रकट हुई थी, इसी कारण बैसाखी का स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। वहीं बैसाखी के दिन लोग नाचते गाते हैं, पकी फसल काटी जाती है, पंजाब में गुरुद्वारों को सजाया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे मनाया जाता है बैसाखी पर्व। बात करें इस त्योहार को मनाने की तो लोग दीपावली की तरह ही कई दिन पहले से घर की साफ सफाई करते हैं और रंगोली बनाते हैं, साथ ही लाइटिंग से घरों को सजाते हैं। बैसाखी के पर्व पर कई तरह के पकवान बनते हैं और सिख लोग सुबह गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ व कीर्तन करते हैं। बैसाखी के पर्व पर कई जगह मेले भी लगते हैं। पंजाबी लोग इस दिन अपना विशेष नृत्य भांगड़ा करके खुशी मनाते हैं। वैसे तो यह पर्व पूरे भारत में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन पंजाब व हरियाणा में इसकी चमक अलग होती है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब कर दें।